फ्रेंड्स नमस्कार। आज जो है हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उस पर आप बने रहें और पूरा ध्यान से देखें। पहले वीडियो में हमने बताया है कि आयुर्वेद के अनुसार हम मालिश के लिए तेल जो है ये छोटे बच्चों के लिए तैयार करके आपको दिखाएंगे। तो आज हम जो है 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए मालिश के कैसे तेल तैयार करेंगे, और ये सर्दियों के मौसम में कोरोना काल भी चल रहा है और सर्दी का भी मौसम में कैसे छोटे बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत करेंगे आपको ये दिखाने जा रहे हैं बना के। तो आप वीडियो बने रहें, देखें। ये 7 चीज़ें हैं। ये पहला है मस्टर्ड ऑयल, जिसको सरसों का तेल कहते हैं। सरसों का तेल ये 100 ग्राम हमने लिया है। ये जो है आयुर्वेद के अनुसार जो है एंटी फंगल एंटीबायोटिक है। और दूसरा जो है इधर तेज़पत्ता है, ये 1 तेज़पत्ता है, इसका 1/4 लेंगे। और ये जो है 1 चम्मच अजवाइन है, देख लें, 1 चम्मच अजवाइन, 2 चुटकी जो है ये पाउडर है, ये दालचीनी का पाउडर है, ये पहले से पाउडर कर लिया गया है, 2 चुटकी डालेंगे। ये 5 कली लहसुन है, बड़े बड़े लहसुन लेंगे। और ये देखें 5 जो है कली, ये आपका लौंग है, ध्यान से देखें। और ये 1 टिकिया कपूर है। ये कपूर जो है तेल जब ठंडा हो जाएगा तब जो है हम इसमें मिश्रित करेंगे। ये हमने पहले आपको बता दिया, अब आप आएँ देखें। ये जो है हम गैस स्टोव पे ये आपका एक नॉन स्टिक कटोरी हमने रखा है, ये हमेशा आपके इस्तेमाल में रहेगा। और सर्दियों के मौसम में आप शीशी में तेल नहीं रखेंगे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बराबर जो है इसे हल्का गर्म करते रहना है लगाने के पहले, और अपने अंदाज से हाथ पे लेके गर्म इस्तेमाल करना है। तो अब देखें हम इसमें ये 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल दिया। आप कटोरी से अपने हिसाब से ले लेंगे या बाज़ार से भी 100 ग्राम आप ले आएंगे तो आपको इसका अंदाज रहेगा। ये अब देखें इसमें आप बने रहें, हम दिखा रहे हैं इसको। ये लहसुन जो है हम इसको कटिंग करके डालेंगे। लहसुन हमेशा जो है बड़ी कली आप लेंगे और कटिंग करके इसे जो है आप थोड़ा तेल गर्म हो जाने दें, चटक रहा है, ठंडे तेल में डालने से इसका पूरा अर्क नहीं आएगा, तो इस वजह से थोड़ा सा तेल जो है गर्म हो जाने दें। जब पूरा तेल लहक जाए तब डालें, तेल में पानी का अंश है, थोड़ा चटक रहा है। ये बाज़ार से ही आता है तो थोड़ा नरम रहता है, कोई भी तेल रहे तो तेल में देखें अंश रहता है पानी का। तो ये गर्म होके तेल जब पूरा धुआं देने लगे तब हम इसमें डालेंगे, थोड़ा चटक इसका ख़त्म हो जाए। अब देखिए, और आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि अभी जो सर्दियों का मौसम है इसको हमेशा कटोरी में रखना है, और जब भी इस्तेमाल करेंगे आप इसको हल्का गर्म कर लेंगे, क्योंकि कोई भी तेल अगर रख दीजिए तो वो नरमी खींच लेता है। तो अब ये चटक रहा है, कहीं से ज़्यादा पानी का अंश आ गया है तो हम इसे लहसुन डाल देते हैं, बहुत देर करना ठीक नहीं है। ये देखें महीन महीन हमने पीस काट दिया इसका, सर्कल में ये 1 पीस मैंने काटा है, इसमें 4 पीस और ले लिया मैंने। ये लहसुन पहले से छील के रखा है हमने, इसकी ऊपर से छिलके हटा दिए हैं। और ये देखें इस तरीके से सर्कल जो है बना लेंगे इसका और इसको डालेंगे, और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसको धूप में भी रखते हैं लेकिन अभी धूप नहीं हो रहा है, आज बदली है तो अक्सर धूप में रख के इसकी शीशी जो है गर्म भी करते हैं हम लोग, लेकिन जल्दी तैयार हो जाए। अब देखें ये जॉइन हमने 1 चम्मच डाल दिया, इसमें हमने 5 कली ये लौंग डाल दिया, ये 2 चुटकी हमने ये लिया है दालचीनी पाउडर ये डाल दिया, और ये 1/4 तेज़पत्ता डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। ये देखें इसके भी हम टुकड़े करके ये डालेंगे, ये डाल दिया। अब हमारे पास जो है अंत में कपूर बचता है, तो कपूर को जब ये ठंडा हो जाएगा तब डालेंगे। अब इसे हम बंद कर देते हैं, लाल हो गया है ये देखिए, थोड़ा चम्मच से चला देंगे, मज़े से लाल हो जाने देंगे। तो ये लहसुन है, इसके अंदर से अर्क और जो भी चीज़ें हैं कड़ी थोड़ी देर से निकलती हैं,
इसलिए थोड़ा सा इसको और लाल करेंगे, ये अजवाइन अजवाइन जो है सब इसमें से अर्क निकल जाए तो पूरा एकदम लाल हो जाएगा, या थोड़ा काला भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये छोटी कटोरी ऐसी होनी चाहिए कि आप इसे हमेशा इस्तेमाल में लें तेल के, जब चाहे आप इसको पकड़ के रख दें। हम इसको बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, इसको कुछ बोल लेते हैं। फ्रेंड्स आप देखें ये ठंडा हो गया है, अब हम इसको छान लिए हैं तो जो चीज़ें हैं सब ये आयुर्वेदिक बाहर हो गई और आयुर्वेदिक तेल नीचे तैयार हो गया। अब हम ठंडा हो जाने के बाद इसको ये देखें कपूर जो दिखाया था हमने एक टिकिया, अब इसमें इसका पाउडर कर दे रहे हैं हाथ से और इसको छिड़क के इसमें जो है इसमें मिला दिया हमने, तो अब ये तैयार हो गया आयुर्वेदिक तेल। अब इसकी लिस्ट जो है हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप लिस्ट से आप इसे जो है 0 से 5 साल के बच्चों को आयुर्वेदिक तेल से लाभ की विधि, तेल तैयार करने की विधि, आयुर्वेदिक तरीका, सरसों के तेल 100 ग्राम लेंगे, दूसरा अजवाइन 1 चम्मच, तीसरा लहसुन 5 कली छिला लहसुन कटिंग करके डाल लेंगे, और चौथा दालचीनी 2 चुटकी पिसा हुआ, और पांचवा लौंग 5 पीस, छठा तेज पत्ता 1 पत्ते का 1/4, सातवां कपूर 1 टिकिया, जो तेल ठंडा होने पर कपूर मिलाया जाएगा। अब यह आपका तैयार हो गया, अगले जो है अब वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे जो है बच्चों का मसाज करना है 0 से 5 साल का। ये विधि बहुत ही टफ है और अलग अलग उम्र के बच्चों का अलग अलग मसाज कैसे करना है ये विधि हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताएंगे। इसके पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जब आप व्यूअर्स और फ्रेंड्स हमारे इस पर बढ़ जाएंगे और हमें यह यकीन हो जाएगा कि आपको यह फ़ायदा है, आपको यह फ़ायदा कर रहा है, तब हम आगे की जो मसाज की विधि है बताने के लिए हम तैयार हैं और आपके ये आग्रह पर हम इसको तैयार किए हैं। आगे भी जब आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइबर हमारे एक अच्छे मात्रा में बढ़ जाएंगे इस पर, जब हम आपको मसाज की विधि अलग अलग छोटे बच्चों के उम्र की और अलग अलग तरीके से और बताएंगे, आप इसे बराबर जो है बनाने की विधि बार बार पलट के बढ़ा के आप इसे देखें और इसका लाभ लें। नमस्कार, धन्यवाद।